अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन चिल्ली की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रोसेस है चिकन को मैरिनेट करना। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 400 ग्राम बोनलेस चिकन, इसे मैंने क्यूब्स में कट किए चिकन को इस तरह से, एक अंडा, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर और मैदा हमें 3:2 की रेशियो में लेना है। 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, विनेगर फ्यू ड्रॉप्स। तो चलिए इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन में हम सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च पाउडर, अंडा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, फ्यू ड्रॉप्स विनेगर की। विनेगर डालने से चिकन जो है वो जूसी और अच्छे से गलेगी, इसलिए हमें विनेगर डालना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दी है। तो अब इसे हम मैरिनेट करने के लिए 1/2 आवर रख देंगे, मीन्स आधे घंटे के लिए इसे हम कवर कर देते हैं। अब हमारी सेकंड प्रोसेस है सॉस रेडी करना। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है तब तक हम सॉस रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, हमारी रूम टेम्परेचर वाली पानी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे। चिल्ली सॉस हम ज़्यादा डालेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हमें स्पाइसी बनानी है, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में स्पाइसी रहती है। तो स्पाइसी बनाने के लिए हमें चिल्ली सॉस ज़्यादा ऐड करना है। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, सोया सॉस भी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। अब इसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे, टोमेटो सॉस भी हम 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दी है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, कॉर्नफ्लावर हम 2 टेबल स्पून डाल देते हैं। कॉर्नफ्लावर हमें सॉस को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए हम डाल रहे हैं, थिक करने के लिए। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। और ध्यान रहे हमारी पानी जो है वो रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी पानी गर्म होगी तो जो कॉर्नफ्लावर है उसमें लम्स हो जाएगी। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये देखिए हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम साइड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुकी है, आधे घंटे हो चुकी है। तो चलिए अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल हीट करने के लिए रख दी थी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो चलिए अब हम चिकन को फ्राई करते हैं। तो हम चिकन को अच्छे से एक एक पीस करके डालेंगे इस तरह से। हम चिकन को अच्छे से डालेंगे ताकि जो मसाले हैं जो मैंने कोट की थी वो भी इसके साथ आए, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से कोट होकर फ्राई हो। तो ये देखिए मैंने चिकन डाल दिए। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अभी हम बिल्कुल भी इसे स्टर नहीं करेंगे जब तक कि हमारी जो चिकन है वो थोड़ी हल्की फ्राई नहीं हो जाए, क्योंकि अगर हम अभी इसे चलाएंगे तो ये क्या होगी, जो कोट किए हुए वो चिपकने लगेगी कढ़ाई में। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई होने के लिए रहने देते हैं। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुकी है और अब हमारी जो चिकन है वो फ्राई नीचे से हो गई है। तो अब इसे हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसे हम अच्छे से स्टर करेंगे ताकि जो चिकन है वो हमारी अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। ये देखिए इस तरह की कलर होनी चाहिए। ये देखिए हमें इस तरह से थोड़ी गोल्डन फ्राई करनी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कलर आई है हमारी चिकन की। इसी तरह से हम बाकियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे चिकन को अच्छे से फ्राई कर ली है। एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि देखिए हमारी चिकन जो है वो कितनी जूसी बनी है। सो ये देखिए कितनी जूसी, कितनी लग रही है। चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप इसी प्रोसेस से चिकन को फ्राई कीजिएगा, मैरिनेट कीजिएगा, आपकी भी चिकन इसी तरह से जूसी फ्राई होगी।
तो हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, सॉस भी रेडी है। तो चलिए अब हम चिकन चिल्ली रेडी करते हैं, चिकन चिल्ली की ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाली है। ऑयल को हम अच्छे से हीट कर लेंगे। ऑयल हमारी हीट हो चुकी है, तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। ये बारीक कटी हुई लहसुन है 1 टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून कटी हुई अदरक बारीक कटी हुई। तो ये दोनों को हम डाल देंगे इसमें। और ये लहसुन है, अदरक लहसुन को हम 1 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो अदरक और लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और पक जाए। ये देखिए 1 मिनट हो चुकी है, तो अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली है और इसे मैंने इस तरह से कट की है। तो ये प्याज हम ऐड डाल दे रहे हैं। और ये ग्रीन शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में कट की है इस तरह से, ये भी हम डाल देंगे साथ ही साथ। और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च है जिसे मैंने इस तरह से कट लगाई है, ये भी हम डाल दे रहे हैं। तो इसे हम अच्छे से सॉटे करेंगे। हमें प्याज और शिमला मिर्च को ज़्यादा कुक नहीं करनी है, क्योंकि क्रंचीनेस अगर रहेगी तभी चिकन चिल्ली की टेस्ट अच्छी आएगी। तो हमें इसे 1 मिनट तक ही कुक करना है। तो ये देखिए हमारी कुक हो चुकी है प्याज और शिमला मिर्च 1 मिनट। तो अब इसमें हम जो मैंने सॉस रेडी की थी वो मैं डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सॉस डाल दी है, जो मैंने सॉस प्रिपेयर की थी। अब इसे हम हाई फ्लेम पर बॉईल आने देंगे। साथ ही साथ इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे, बॉईल भी आएगी और इसमें नमक भी हम इसलिए ऐड कर दे रहे हैं। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाली है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ 1 टीस्पून बैलेंस करने के लिए, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर स्पाइसी करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए हमारी 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है और इसमें बॉईल भी आ चुकी है, सॉस हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मैंने चिकन फ्राई की थी, वो सारी मैं ऐड कर देती हूँ। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि चिकन में अच्छे से जो सॉस है वो कोट हो जाए। तो ये देखिए मैंने सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिए। देखिए सारी सॉसेस जो है वो चिकन में अच्छे से कोट हो चुकी है। तो अब इसे हम कवर करके 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारी 2 मिनट हो चुकी है, तो और हमारी चिकन चिल्ली बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे हम थोड़ी सी सेसमी सीड डाल रहे हैं, जिसे हम हिंदी में तिल बोलते हैं, ये डाल दे रही हूँ मैं। तो ये देखिए हमारी, मैंने इसमें सेसमी सीड डाली है और हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली चिकन चिल्ली बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसे हम इसकी फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन चिल्ली बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे डिश आउट भी कर दी है और इसे मैंने गार्निश भी कर दी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।